एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे भाई स्क्रब को कैसे किया जाता है। भाई शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं गज। आज हम करेंगे लोटस की व्हाइट ग्लो स्क्रब, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास गुलाब जल, आपके पास कोई भी वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको भाई पता नहीं चलेगा। क्योंकि यार मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे साहिल भाई स्क्रब के ऊपर एक वीडियो स्पेशली बनाओ, ठीक है। आज इसी टॉपिक पर स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आया, लास्ट तक जरूर देखना। गाइस एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमने स्क्रब को अप्लाई करना है भाई, उससे पहले हमको वॉश कर लेना है, ठीक है। कोई भी फेस वॉश होगा, ठीक है, उससे आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना। उसके बाद आपने तौबा नहीं लगाना, ना कुछ भी नहीं लगाना आपने, ठीक है। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे करते हैं। हम वॉश कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे, कोई भी फेस वॉश होगा ना गाइस, आपने इसको लगा देना है, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह, जिनकी मैं फेस वॉश ले लूंगा, अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है, यानी कि बड़े ध्यान से करना, यानी कि ज्यादा टाइट नहीं चलाया जाता। कोई भी चीज करो आपने बिल्कुल दबा के नहीं लगाना जैसे करके, ठीक है। भाई अब हम करेंगे इसको साफ कर देंगे। उसके वैसे मैंने दो टिश्यू पेपर ले लिए, ठीक है। आपने ये करना इसको ऐसे हल्के हल्के, यानी कि ज्यादा टाइट नहीं लगाना, यानी कि हल्के हल्के, यानी कि हमने साफ ही करना है, ठीक है। इसको अब हम करेंगे अप्लाई, ठीक है। हल्का से इसको ले लेना, ठीक है। हल्की यानी कि हम चारों साइड में यानी कि अप्लाई करेंगे। भाई एक बात का ध्यान रखना, भाई इसमें होते दाने होते हैं, ठीक है, दाने वाली होती है। भाई इसको बड़े ध्यान से किया जाता है। भाई मैं जैसे से आपको बताऊंगा ना, इसको हमने उसे ही फॉलो करना है भाई, ज्यादा तेजी मत करना, ठीक है। आराम आराम से करोगे तो आपका फायदा ही है, ठीक है, नहीं तो कस्टमर को कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बस आपने ये करना, आपने देखो जो तीन फिंगर होते हैं, जीजे वाले तीन फिंगर होते हैं, ठीक है। हमने इसके साथ ही बिल्कुल सॉफ्ट से यानी कि अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डस्ट होती है, ठीक है, उसको निकालने की बहुत मदद करती है, यानी कि, ठीक है, आपने ऐसे यानी कि पूरा तेजी में नहीं करना, ठीक है। आपने अगर आप तेजी में करोगे जीजे वाली होती है भाई दाने वाली, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अगर ये सूखती है, ठीक है, कई बंदे क्या करते हैं, क्योंकि पानी लगा के भी करते हैं, चलो अलग अलग अपना अपना स्टाइल होता है, पर लेकिन ये गुलाब जल से किया जाता है भाई, ठीक है, तभी ग्लो आता है फेस पे, ठीक है। आपने ऐसे से अप्लाई कर देनी है। पहला स्टेप तो हो गया भाई, आपने ऐसे घुमा देना पहले, ठीक है, आपने ऐसे घुमाना, ठीक है। जो जीभ वाली नोच होगी, जो जीभ दो फिंगर होगी ना हमारी, जो ये देखो दो फिंगर है हमारी, उसको हमने ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है, यानी अप्लाई करना है यानी कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सीधा चला जाना, ऐसे घुमाते रहना आपने, ठीक है। देखो गज जी वाली स्क्रब होती है, अगर सूखेगी ना तो आप, कई बंदे होते पानी भी मारते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है भाई, कई बंदे करते हैं, ठीक है, मेरे को पता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना भाई, इसको ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है। एक चीज होती है अप्लाई ऐसे नहीं करना, क्योंकि यार बाद में क्या होता है, बंदे जब हम वॉश करते हैं ना, ठीक है, बहुत जलन मारने लग जाता है, ठीक है, हमारा फेस खराब भी हो सकता है। पर लेकिन इसको अगर भाई ये सूखती है, ठीक है, आपने करना गुलाब जल हाथ में लेके, उसके बाद फिर अप्लाई करना है। मैं बताता हूँ उसको कैसे करना। अब आ गया मेरे पास गुलाब जल, गुलाब जल मेरे पास दो है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, जिनकी मैं आपको पहले भी दिखाया, एक वो था मेरे पास, एक जी है, अलग अलग कंपनी का है, कोई भी आप यूज कर सकते हो जो आपको सही रहे, ठीक है। अब ये स्प्रे होती है, जिनकी स्प्रे वाला देखो ऐसे निकलती, ठीक है, आपने करना ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। गुलाब जल लगाने के बाद ना हल्का हल्का यानी कि आपने ऐसे मसाज कर देनी इसकी, भाई ज्यादा टाइट मत करना, ठीक है, यानी कि पूरा रगड़ के नहीं करना, क्योंकि जीजे वाली होती है दाने वाली होती है, एक तो क्रीम वाली होती है स्क्रब, ठीक है, वो तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसको आपने बड़े ध्यान से करनी है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले ऐसे सीधा हाथ लगाना, ठीक है, उसके बाद नीचे को लेके जाना आपने, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने एक हाथ को यानी कि चार फिंगर को यानी कि आपने ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है, दोनों साइड में आपने ऐसे कर देना। उसके बाद फिर आपने पीछे को ले जाना हाथ को, ठीक है, यानी कि यार हाथ को बिल्कुल सॉफ्ट से रखना, यानी कि हल्का हाथ रखना हाथ में, ठीक है, देखो। फिर उसके बाद जी वाला होगा, ठीक है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना, यानी कि यहां पर जो होते हैं ना किल वगैरह होते हैं जो निकल जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पिंपल्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसको यानी कि हमने ऐसे रिमूव कर देना, ठीक है। हमने फिर उसके बाद अप्लाई कर देना, जे वाला होगा नोज, ठीक है, उसके बाद जे वाले फिंगर जो होंगे, ठीक है, उसके बीच में ऐसे लेके इसको आपने ऐसे अप्लाई करना है,
यानी कि बड़े आराम से करना, यानी कि तेजी मत करना, ठीक है। जो नए नए बंदे सीख रहे हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहता, अगर भाई दबा के चलाओगे, ठीक है, हाथ को दबाओगे, ठीक है, तो भाई कस्टमर को बाद में दिक्कत होगी। फिर भाई जब भी स्क्रब आपकी सूखती है, ठीक है, आपने क्या करना है, गुलाब जल को यूज करना है। गैस मैं गुलाब जल फिर उसके बाद लगाऊंगा। जब भी हमारी स्क्रब सूखती है, ठीक है, आपने ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, आपने ऐसे इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। पर इसको करवाने के लिए यानी कि एक महीने बाद करवाया जाता है, यानी कि कई बंदे करते हैं जिनकी हफ्ते में दो बार करवाते हैं, पर लेकिन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है, जिनकी अच्छी तरह से ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ गया हमारा, इसके बाद ऐसे, ठीक है, ये वाली चीज होगी ना, आपने ऐसे इसको अप्लाई करनी, देखो इस साइड में भी, इस साइड में भी। कई बंदे करते हैं भाई हफ्ते में दो बार ही करते हैं, पर लेकिन नहीं करना चाहिए, महीने में एक बार ही करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, यानी कि इसको यानी कि करने के लिए 5 या 6 या 7 मिनट ही होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना आपने। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने ऐसे ही कर देना है, इसको जीवा ऐसे कर देना, ठीक है, नीचे, अच्छी तरह जिनकी की अप्लाई कर देना जिनकी, ठीक है। भाई एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम इसको करके हटते हैं, ठीक है भाई, एक दिन इसको साबुन नहीं लगाना, ठीक है। फेस वॉश से हम धो सकते हैं इसको, पर लेकिन साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर साबुन लगाओगे भाई, ठीक है, आपके पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है, फेस आपका ब्लैक भी पड़ सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने, क्योंकि अपने कस्टमर को भी बताना है, ठीक है, ये सब नहीं करनी गलती, क्योंकि कभी कभी तो होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही कस्टमर भी आए हैं जो लोग साबुन यूज करके उसके बाद हमारे को कंप्लेंट करते हैं, पर लेकिन वो नहीं करनी आपने, ठीक है। अब भाई हम करेंगे इसमें, अब कर देंगे इसको वॉश, उसके बाद हमारी क्लियर हो चुकी है। स्क्रब को साफ करने के लिए आपके पास फोम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप वाटर जिसमें मर्जी ले सकते हो, यानी कि हम इसको साफ करने के लिए, ठीक है, चलो बताते इसको कैसे करते हैं। मैंने पानी के साथ इसको भिगो लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे अच्छी तरह से भाई ना इसमें तौबल मारना है, ना और टिश्यू पेपर मारना है, कुछ नहीं मारना है, ठीक है। और जैसे जैसे भी हमारी क्रीम निकलेगी, ये सारी इसके बीच में आ जाएगी, ठीक है, हम इसको साफ करते जाएंगे। हमने फिर साफ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम अच्छी तरह यानी कि इसको ऐसे आपने अच्छी तरह से वॉश कर देना है। उसके बाद क्या करना, आपने कॉटन ले लेना, ठीक है, कॉटन के साथ हल्का हल्का यानी कि आपने साफ कर देना, ठीक है। लो जी हमारी स्क्रब हो चुकी है, आपने ऐसे ही गाइस करना है, ठीक है। लो जी गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। कोई बात करना चाहता है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हूँ, ठीक है, साहिल लुधियाना 75, वहां जाकर मुझे फॉलो करो, फॉलो करके मुझे मैसेज कर दो, आपके मैसेज की रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। जब तक लिखनी अगली वीडियो फिर मिलते हैं।